नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। फुटबॉल कोच से लूट करने वाले दो शातिर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में मोहित नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी बदमाश मुस्ताक को पुलिस ने कांबिक के दौरान किया गिरफ्तार। घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया भर्ती। इलाज जारी। पुलिस ने कब्जे से अवैध तमंचा, एक चाकू, लूटी हुई कार की बरामद। पुलिस ने बताया गिरफ्तार बदमाश सड़क पर राह चलते लोगों को चाकू व तमंचा दिखाकर करते हैं लूट। नोएडा एनसीआर क्षेत्र में दोनों पर है दर्जनों मुकदमे दर्ज। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना पुलिस और शातिर लुटेरे के बीच पुश्ता रोड पर हुई मुठभेड़। दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा सेक्टर 135 के पास चेकिंग करने के दौरान एक ऑल्टो गाड़ी देखी जिसमें नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने जब उसको रोका तो गाड़ी भागने लगी और पुश्ता की तरफ गाड़ी जाने लगी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसके अंदर जो अभियुक्त बैठे हुए थे उन्होंने पुलिस की तरफ जब जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया जिसमें से उनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम मोहित उर्फ लाहिरी है उसके पैर में गोली लगी। दूसरा अभियुक्त जिसका नाम मुश्ताक है वह मौके से भागने में फरार हो गया। बाद में कॉम्बिंग के दौरान उसको भी पकड़ लिया गया। इन दोनों अभियुक्तों ने दिनांक 18/10/2023 को एक घटना हुई थी एक थाना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत, उसमें उन्होंने एक ऑल्टो गाड़ी लूटी थी। वह ऑल्टो गाड़ी सफलतापूर्वक बरामद भी हुई है। इसके अलावा इनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुए। उल्लेखनीय यह भी है कि मोहित उर्फ लाहिरी के ऊपर 2016 में भी थाना एक्सप्रेसवे के अंतर्गत गैंगस्टर मुकदमा लिखा गया था और उसके ऊपर 31 मुकदमे इस समय दर्ज हैं। दूसरा अभियुक्त जिसका नाम मुश्ताक है उसके ऊपर भी करीब करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। घायल को तुरंत ही उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। अन्य